नमस्कार, आप देख रहे हैं इवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना की मार, 3,44,00,000 के पार हुए कोरोना संक्रमित, 10,27,000 से ज्यादा संक्रमितों की हुई मौत। दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए ठीक, तो अब 70,82,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना का कहर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए कोरोना संक्रमित, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को भी हुआ कोरोना। भारत में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, 64,00,000 के करीब हुई संक्रमितों की संख्या, 1,00,000 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। भारत में रिकवरी बेहतर, अब तक 53,50,000 संक्रमित ठीक होकर लौटे घर, 9,42,000 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पर गांधी जी को किया नमन, कहा बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुणा भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को किया याद, विजय घाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कृषि कानून को लेकर सोनिया गांधी का बयान, मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों और कांग्रेस का आंदोलन सफल होगा। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का वार, गांधी के कथन से साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा। कृषि कानून को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त, पंजाब में किसानों का रेल रोको अभियान जारी, एमएसपी देने की बात कानून में शामिल करने की मांग। हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया नोटिस, यूपी सरकार के शीर्ष अफसरों को किया तलब, हाथरस के डीएम और एसपी को जारी हुआ नोटिस। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ की मांग, दिल्ली में करनी सेना ने किया धरना प्रदर्शन, कहा इंसाफ में इतनी देरी क्यों। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोदी और योगी पर साधा निशाना, राहुल गांधी की गिरफ्तारी का भी किया विरोध। यूपी के रामपुर में मनाई गई गांधी जयंती, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी जी को दी श्रद्धांजलि, हाथरस गैंगरेप को लेकर कहा जल्द न्याय मिलेगा। लखनऊ में गांधी जयंती पर समाजवादी पार्टी का मौन व्रत, सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस ने निकाला शांति मार्च, गांधी जयंती पर निकाला शांति मार्च, पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। यूपी के नरसिंहपुर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, मोदी योगी के खिलाफ की नारेबाजी, राहुल गांधी की गिरफ्तारी का किया विरोध। यूपी के देवरिया में साइबर क्राइम के मामलों का निस्तारण, 108 लोगों को लौटाए उनके मोबाइल। यूपी के चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 55,00,000 रुपए मादक पदार्थ किए जब्त, 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में गंगा में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गया था युवक, प्रयागराज के झलवा का रहने वाला था मृतक। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, रामपुर में हथियार की नोक पर विवाहिता से दुष्कर्म का प्रयास, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश नौशाद के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के गाजियाबाद में प्रवर्तन दल की कार्रवाई, प्रतिबंधित पॉलिथीन से भरी 101 बोरी जब्त की, 69 चौराहे पर की कार्रवाई। राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना, 1,37,000 के पार हुए संक्रमित, 1,500 कोरोना संक्रमितों की मौत। राज्य सरकार ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइन, 1 से 31 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई है गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं रहेंगी बंद, तो वहीं सामूहिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी रोक। प्रदेश में नहीं खुलेंगे किसी तरह के शैक्षणिक संस्थान, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग, चरणबद्ध तरीके से फैसला लेगी सरकार, प्रदेश में नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल। प्रदेश भर में मनाई गई गांधी जयंती, प्रदेश में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, हवा महल परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में स्वच्छता अभियान का आगाज, कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का दिया संदेश।
जयपुर में मंत्रियों ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। सीएमआरसीवीसी के जरिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 501 वादों में से पूरे किए 252 वादे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जी को किया नमन। सचिवालय में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प किया अर्पित। महामारी को लेकर सीएम ने कहा जागरूक होना बेहद आवश्यक। जयपुर में गांधी सर्कल पर भी कार्यक्रम का आयोजन। सीएम गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने शांति और अहिंसा रखते हुए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की अपील की। पीसीसी कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्री बीडी कल्ला रहे मौजूद। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शनिवार को। 36 पंचायत समितियों में होगा मतदान। 4 अक्टूबर को होंगे उपसरपंच के चुनाव। हाईकोर्ट में बढ़ाया गया वीसी के जरिए सुनवाई का समय। 23 अक्टूबर तक वीसी के जरिए होगी सुनवाई। कृषि कानून का विरोध तेज। अलवर में कांग्रेस ने मनाया किसान मजदूर बचाओ दिवस। शहीद स्मारक पर दिया धरना। मलारना डूंगर में 6 साल के बच्चे से कुकर्म। बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर की करधनी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आनंदपाल गैंग के शातिर सदस्य पवन सिंह को किया गिरफ्तार। एक देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में हुई हत्या का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 16 अगस्त को हुई थी सत्यनारायण खटीक की हत्या। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की पहल। रात में नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात रहेंगी महिला पुलिसकर्मी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार होगी शुरुआत। सीकर के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रोले ने ऊंटगाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। धौलपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 12 के किशनगंज में एसडीआरएफ टीम को मिली सफलता। नदी में छलांग लगाने वाले अधेड़ का किया शव बरामद। किशनगंज निवासी मोहनलाल के रूप में हुई शिनाख्त। झालावाड़ के डग में सुवासरा मार्ग पर दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर की पुष्कर घाटी में जहर खुराने की वारदात। अचेत अवस्था में मिला युवक। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बड़ा हादसा टला। अनियंत्रित होकर पलटा पटाखों से भरा ट्रक। हादसे में एक युवक हुआ घायल। धौलपुर में वन विभाग की कार्रवाई। हरी लकड़ियों से भरे वाहन को किया जब्त। वाहन चालक मौके से फरार। भरतपुर के हलैना में सपेरा समाज के सामने रोटी का संकट। कोरोना के कारण ठप हुआ रोजगार। झालावाड़ के सारोला में मनाई गांधी जयंती। युवाओं ने किया श्रमदान। तो वहीं खानपुर में विधायक ने कचरा वाहिनी को दिखाई हरी झंडी। जयपुर के जोबनेर में कोरोना जागरूकता को लेकर बैठक। व्यापार मंडल और नगर पालिका प्रशासन की हुई बैठक। गाइडलाइन का किया जाएगा सख्ती से पालन। बूंदी में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आमजन को कोरोना के प्रति किया जागरूक। मास्क नो एंट्री अभियान के तहत पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। बांसूर में किसान कानून को लेकर विरोध। किसान कानून को लेकर किया गया प्रदर्शन। बांसूर विधायक शकुंतला रावत के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। नागौर में वाल्मीकि और मुस्लिम समाज ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग। बीकानेर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। किसान बचाओ मजदूर बचाओ का लगाया नारा। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन। श्रीगंगानगर के घड़साना में हाथरस गैंगरेप का विरोध। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को फांसी देने की मांग। बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर गाड़ियों का काफिला। किसानों ने पिकअप गाड़ियों को किया कलेक्ट्रेट पर जमा। पुलिस की ओर से परेशान करने का लगा रहे किसान आरोप। 12 में मोदी सरकार के काले कानून का कांग्रेस ने किया विरोध। निरस्त करने की मांग को लेकर दिया धरना। धरना देकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। हाथरस गैंगरेप को लेकर रोष व्याप्त। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पकड़ा तूल। बयानों में वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग। झालावाड़ के डग में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को किया जागरूक। दर्जी विष्णु भारतेश 2015 से बाइक पर स्पीकर बांधकर लोगों को माइक के जरिए दे रहे स्वच्छता का संदेश।
बूंदी में वाल्मीकि समाज ने किया एक दिन का कार्य बहिष्कार, हाथरस गैंगरेप को लेकर जताया विरोध। टोंक में कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जैसलमेर के फलसून में ट्रैफिक जाम से राहगीर परेशान, निजी बसों के कारण मुख्य बाजार में लगता रहता है जाम, शिकायत के बाद भी नहीं किया जा रहा समाधान। भीलवाड़ा में पंचवटी पार्क की हो रही दुर्दशा, देखरेख के अभाव में वीरान हुआ पार्क, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। कुचामन सिटी में मिरासी भाट समाज की सराहनीय पहल, मृत्यु भोज नहीं कराने के लिए शपथ। तखतगढ़ में मनाई गई महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, नगरपालिका में मनाई महापुरुषों की जयंती, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। बूंदी में पुष्पांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, नशा मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ। सुमेरपुर में मनाई महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन, नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का किया विमोचन। नागौर के मेरता में सर्वधर्म सभा का आयोजन, महात्मा गांधी को किया याद, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान। भीलवाड़ा के पारोली में गांधी जयंती पर विशेष कार्यशाला का आयोजन, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर डाला प्रकाश। जालौर के चितलवाना में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई, सफाई कार्यक्रम का किया आयोजन, मास्क लगाकर गाइडलाइन की पालना करने का दिया संदेश। दौसा के लालसोट में गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, स्काउट गाइड की ओर से किया नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर का विमोचन, कोरोना को लेकर आमजन को किया जागरूक। नागौर में मनाई गई महात्मा गांधी की 151वीं जयंती, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दी श्रद्धांजलि, भजन कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। जयपुर में फिटयोग संस्थान की ओर से वर्चुअल साइकिलिंग राइड का आयोजन, कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक, प्रतिभागियों को दिए ई सर्टिफिकेट। बूंदी के धोबड़ा गांव में मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा, पुलिस भी रही मौजूद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।